हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल डेडीज किचन। आज हम बनाने वाले हैं खीर। खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1.5 लीटर दूध, उसके साथ हम ले रहे हैं सोक किए हुए राइस विच इज 1 कप। ड्राई फ्रूट्स में हम ऐड करेंगे 10 काजू, 10 बादाम, थोड़ी किशमिश एंड ग्रीन कार्डेमन। ग्रीन कार्डेमन का पाउडर भी यूज कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। साथ ही रिच टेस्ट लाने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं नेस्ले का मिल्क मेड। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जो है दूध को गर्म करना है एक उबाल आने तक। तो आप देखिए, जैसे कि मैंने हाई फ्लेम पे दूध को उबाल आने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारे दूध में एक बॉइल आ जाता है, हम गैस का फ्लेम जो है वो स्लो कर देंगे और उसे और पकाएंगे 15 मिनट तक। इससे जो है कि आपकी दूध की जो क्वांटिटी है 1.5 लीटर से कमी हो जाएगी 1 लीटर तक। तो इसमें एक चीज है कि आपके दूध की थिकनेस बढ़ जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो ऑसम आएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने हमारे दूध को ऑलरेडी एक बॉईल कर दिया था। बॉईल करने के बाद हम इसे और 15 मिनट के लिए गर्म कर लिया है। तो अब हम इसका सेकेंड स्टेप स्टार्ट करेंगे, जिसमें अभी हम ऐड करेंगे हमारा सोक किया हुआ राइस। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इसमें हमारा सोक किया हुआ राइस ऐड कर दिया है। राइस ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कार्डेमन पाउडर। इससे क्या होगा कि हमारे जो खीर है उसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस आ जाएगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमने अब इसमें ऐड कर दिया है कार्डेमन पाउडर, राइस, और अब हम इसे एक स्टर कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, अभी हमने इसको स्टर कर दिया है। हमारा फ्लेम जो है वो हमने अभी स्लो कर दिया है और अब हम इसे पकने देंगे नियर अबाउट 30 मिनट्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्लेम जो है वो स्लो मीडियम हीट पे है और अब हम इसे कुक होने देंगे अगले 30 मिनट तक। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने जो खीर बनाने के लिए रखी थी, राइस हमने ऐड कर दिए थे, कार्डेमन पाउडर ऐड कर दिया है और हमने कहा था कि हम इसे 30 मिनट तक पकने देंगे। साइमल्टेनियसली हमें साथों साथ इसमें स्टेयर करते रहना है ताकि ये जो है वो नीचे से चिपक ना जाए। तो आप देखो कि हमने इसको स्टेयर कर लिया है, एंश्योर कि ये नीचे से चिपक ना जाए, और ये जो साइड में भी जो मलाई जमी है उसे भी हम इसे इस तरीके से इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और 15 मिनट इसे हमें कुक करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आएंगे कि हमें इसमें और क्या ऐड करना है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो 30 मिनट हो चुके हैं, हमारा राइस जो है वो खीर में काफी अच्छे से बॉयल हो चुका है। दूध की कंसिस्टेंसी और राइस की कंसिस्टेंसी अगर आप मिक्स करके देखेंगे तो काफी अच्छा थिकनेस आ चुका है। अब हम इसमें करेंगे क्या, अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच मिल्क मेड। आप चाहे तो इसमें 2 बड़े चम्मच मिल्क मेड ऐड कर सकते हैं और 2 चम्मच आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें शुगर नहीं ऐड कर रहे हैं, हम इसमें सिर्फ 3 बड़े चम्मच मिल्क मेड ऐड कर रहे हैं। आप अपने स्वीटनेस के हिसाब से, इसमें जितना स्वीटनेस आपको चाहिए उसके हिसाब से आप मिल्क मेड ऐड कर सकते हो। अब जब हमने इसको मिल्क मेड ऐड कर लिया है, हम उसके बराबर से मिला लेंगे मिल्क मेड के साथ। मिल्क मेड के साथ मिलाने के बाद हमने जो ड्राई फ्रूट बताए थे आपको, काजू, बादाम एंड किशमिश, अब हम वो ड्राई फ्रूट जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। हमने जो ड्राई फ्रूट है उसको हमने एक्चुअली चॉप कर दिया है, तो अब हम वो ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे ही हमने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया है, हम इसे एक स्टर कर लेंगे और एक उबाल आने तक हम इसे स्लो हीट पे पकने देंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी खीर जो है वो बन चुकी है। हमने इसे एक सर्विंग बाउल में ले लिया है और अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे के लिए। इस खीर को ठंडा करके खाने में बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया हो। आप प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेडीज किचन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल डे।